नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। एक्साइज विभाग ने बटाला के एक रेस्टोरेंट में रेड कर दूसरे राज्यों की शराब बरामद की। वहीं एक्साइज विभाग और पुलिस की तरफ से रेस्टोरेंट मालिक को काबू कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम की तरफ से बटाला जालंधर बाईपास के नज़दीक स्थित बल रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान दूसरे राज्यों की अवैध शराब बरामद की है। एक्साइज इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि बटाला सर्किट के अधीन आते बल रेस्टोरेंट में अवैध तौर पर शराब की बिक्री होने से संबंधी जानकारी मिली थी, इसलिए उनकी तरफ से रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान यहां से करीब 12 बोतल कैश ब्रांड की अवैध शराब और बियर की बोतलें भी बरामद की गई। एक्साइज विभाग की तरफ से अवैध शराब को कब्जे में ले लिया गया है। थाना सिटी में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मालिक से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज बल फास्ट फूड जलंधर रोड पे है ना, उसे रेड की थी असी। उसको एक पेटी शराब मिली है कैश की, ठीक है जी, नाल दो बियर दी बोतल। हाँ जी, नहीं व्यक्ति नहीं फटा कुछ ना, बाकी उन्हें डिस्कस कर दी जो जुर्माना भरवाने को उन्हें परचा करवाना, यह डिपेंड करता उन्हें चलती भी गलबात उन्होंने पूछ लें। मैं तुम दो मुझे दस देना, उन्होंने वही पूछना है भी जो जुर्माना करवाना, जो जुर्माना भर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर परचा हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल पुलिस पार्टी नाल से, साढ़े एक्साइज स्टाफ नाल से, बल बल फास्ट फूड।